सिक्स पार्ट है. फाइव ईयर्स हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. तो वो कहता है पांच साल बाद क्या होगा, जो जैकब की एज है वो थ्री टाइम्स हो जाएगी किससे, उसके सन की एज से. फाइव ईयर्स एगो, पांच साल पहले क्या था, जैकब्स एज वॉज सेवन टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. पांच साल पहले उसकी जो एज थी वो उसके खुद के बेटे से सेवन टाइम्स ज्यादा थी. तो उन दोनों की एज बताओ कह रहा है. तो जो पूछा गया है हम उन दोनों की एज मान लेंगे, जैकब की एंड उसके सन की. लेट द प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज मानी जाती है. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है कि आज से पांच साल बाद, तो अगर अभी की एज जैकब की कितनी है, x, आज से पांच साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस फाइव बढ़ जाएगी ना, x प्लस फाइव. और साथ साथ सन की एज है y, तो आज से पांच साल बाद उसकी भी बढ़ जाएगी x प्लस फाइव. अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या कहा गया है, उसने कहा पांच साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी थ्री टाइम्स. अब जैकब है और ये उसका बेटा है, तो ऑटोमेटिकली जैकब की एज क्या होगी, ज्यादा होगी. और कितना ज्यादा है कहा, थ्री टाइम्स. थ्री टाइम्स ज्यादा है. अब ये जो थ्री है मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऑलरेडी ज्यादा है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा. सन की एज कम है, सन की एज कम है, उसको फादर की एज के इक्वल होने के लिए क्या होना होगा, बड़ा होना होगा. तो मल्टीप्लाई किसको करूंगा मैं, सन की एज को. थ्री टाइम्स हो गया तो पहली इक्वेशन यहां से जनरेट होगी, तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स प्लस फाइव, ये बन जाएगा थ्री वाई प्लस 15. थ्री वाई इधर ले लेता हूँ और 5 इधर भेज देता हूँ. थ्री वाई इधर आया तो माइनस थ्री वाई, और 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, 15 से माइनस. 15 ऑलरेडी था, माइनस हो गया, तो जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 10. ये मेरी बनी पहली इक्वेशन. ये तो पहला केस था. सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है फाइव ईयर्स एगो, पांच साल पहले. पांच साल पहले मतलब एज क्या होगी, कम होगी. तो अभी की उम्र अगर एक्स है तो पांच साल पहले कितनी रही होगी, एक्स माइनस फाइव. अगेन तो इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस फाइव. ये फादर की एज हो गई और ये क्या हो गई, सन की एज. सन की एज भी क्या हो जाएगी, फाइव ईयर्स कम हो जाएगी. अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, जो जैकब की एज थी वो सन की एज की कितनी थी, सेवन टाइम्स. अगेन सन क्या है, उम्र में छोटा है, तो पिता की उम्र के इक्वल होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. वो एक्स्ट्रा क्या है, सेवन. इस बार सेवन टाइम्स ज़्यादा है जैकब की एज अपने सन से. तो इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू सेवन वाई माइनस 5. तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस फाइव उधर जाएगा, ऑलरेडी 7y था माइनस 35 था, माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो गया. तो x की वैल्यू मिली मुझे 7y, ये हो जाएगा माइनस 30. तो इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, सब्सटीट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 1 में. Substituting x equal to 7y minus 30 in equation first. यहां पे substitute करेंगे तो ये क्या बनेगा, equation क्या थी, x minus 3y equal to 10. इस पर मुझे किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x की. x की वैल्यू क्या थी, 7y माइनस
30 ये थी x की वैल्यू माइनस 3y इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 3y एक साथ ये माइनस 30 इक्वल टू 10, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 7 में से 3 4y ये माइनस 30 एज इट इज रहेगा यहाँ इक्वल टू 10। अब 4y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ये माइनस 30 इस तरह आके बन जाएगा प्लस 30, तो 4y इक्वल टू मिलेगा मुझे 40, तो क्या मैं इससे सीधे सीधे नहीं लिख सकता, y इक्वल टू 40 अपॉन 4 जो मुझे रिजल्ट देगा y इक्वल टू 10। तो मुझे दोनों एज मिल गई, अगर मुझे y मिला तो इसका मतलब मैं दोनों एज फाइंड कर सकता हूँ, y की वैल्यू है 10 तो x की वैल्यू क्या रहेगी पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1st पे ही रख देते हैं, तो x माइनस 3 y की वैल्यू आई थी 10 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू हो जाएगा 10, ये माइनस 30 वहां जाके प्लस 30 बन जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ रही है प्लस 40। इसका मतलब जेकब की एज थी 40 और सन की एज थी 10, तो मैं लिख सकता हूं हेंस एज ऑफ जेकब एज कितना ही है 40 ईयर्स एंड एज ऑफ हिज सन एज 10 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।